दोस्तों, अगर आप भी केन विलियमसन को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 25 नवंबर से शुरू होने वाले भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में अब से कुछ ही समय बाकी है, जिसके बाद दोनों टीमें कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलती नजर आएंगी और दोनों ही टीमें अपने खतरनाक प्रदर्शन से इस मुकाबले को रोमांचक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो भारतीय टीम का पक्ष इस मुकाबले में भी काफी भारी नजर आता है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम केन विलियमसन की कप्तानी में खतरनाक प्रदर्शन करने से नहीं चूकेगी, इसलिए दोनों ही टीमें पहले मुकाबले के लिए लगातार प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच कप्तान केन विलियमसन ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसे सुनकर सभी भारतीय फैंस हैरान हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आखिर क्या कहा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने अपने इस बयान में। लेकिन इससे पहले, आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और केन विलियमसन में से कौन बेहतरीन खिलाड़ी है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई T20 मुकाबले की श्रृंखला में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की टीम के जिस तरीके से धुलाई की, उसका मजा पूरे विश्व क्रिकेट में फैंस ने उठाया। हालांकि इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम, जो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची थी, वो भारतीय टीम को आसानी से राउंड डालेगी। लेकिन भारतीय टीम के सूरमाओं ने इस बाजी को ऐसे पलटा कि न्यूजीलैंड की टीम को मुंह की खानी पड़ी और सीरीज को 3-0 से गंवाना पड़ा। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम के शानदार बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन सीरीज से बाहर रहे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन कर दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ था। दोस्तों, न्यूजीलैंड को मिली इस खतरनाक हार के बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम टेस्ट सीरीज की तैयारी में लग गई है और किसी भी कीमत पर वो इस टेस्ट मुकाबले को जीतने की ताक में है। लेकिन इसी बीच न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारतीय टीम के लिए बात करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर सभी भारतीय फैंस काफी हैरान हैं। केन विलियमसन ने भारतीय टीम के बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में जो प्रदर्शन करके दिखाया वो इतना भी खास नहीं था। उनकी टीम शुरुआत से ही काफी मजबूत थी, क्योंकि T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद उनके पास इस सीरीज को तैयारी करने के लिए काफी समय था। लेकिन हमारी टीम लगातार मुकाबले खेलती आ रही थी। इस सीरीज की शुरुआत होने से ठीक 6 दिन पहले तक हमने 3 मैच खेले थे, जिसके चलते टीम काफी थकी थी और खिलाड़ी भी इसी वजह से शानदार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय टीम ने हमारी टीम को हरा दिया। लेकिन 25 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज में ये काम भारत के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब हमारी टीम के पास तैयारी करने के लिए भरपूर समय है और सभी खिलाड़ी आराम करने के बाद खतरनाक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। उसके सामने भारतीय टीम जरा भी देर नहीं टिक पाएगी। दोस्तों, केन विलियमसन के इस बयान को सुनने के बाद भारतीय फैंस काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने ही भारतीय टीम को ICC की पहली टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेट से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया था। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।